हैप्पी गणेश चतुर्थी। तो आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ गणेश जी से रिलेटेड कुछ सिग्निफिकेंस बताऊंगा कि उनके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो क्या शो करते हैं, और दूसरा कि उनके जो ट्रंक की डायरेक्शन है वो कभी लेफ्ट देखने मिलती है, कभी राइट मिलती है। इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि वो लेफ़्ट होनी चाहिए, राइट होनी चाहिए, या फिर वो स्ट्रेट होनी चाहिए, तो उसके पीछे क्या रीज़न है वो मैं आपको बताऊँगा। तो लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहिए। मेरा नाम है प्रखर। अभी जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, मैंने आपको एक इमेज शो कराई है। उस इमेज में आप देख सकते हैं कि उनका बड़ा सर है। तो बड़ा सर होने का मतलब बड़ा सोचो, स्मॉल आइज, उनकी आँखें छोटी हैं। तो यहाँ पे जो छोटी आँख का मतलब है वो हो गया कंसंट्रेशन। उनके एक हाथ में आप देख सकते हैं कि रस्सी है, रोप है। तो रस्सी इस बात का संकेत करती है कि टू पुल यू नियरर टू द हाईएस्ट गोल, आपको आपके हाईएस्ट गोल की तरफ वो खींच रही है। तो ये उसका सिग्निफिकेंस है। एक तरफ आप ये देख सकते हैं कि उनके हाथ में मोदक है। मोदक का मतलब कि उन्होंने जो साधना करी है, आप जो साधना करते हैं तो उसका जो आपको फल मिलता है, जो रिवॉर्ड मिलता है, वो उस हाथ में है। दूसरा, उनके कान बड़े हैं। तो कान बड़े होने का मतलब कि सुनो ज़्यादा। बड़ा सर मतलब सोचो बड़ा। छोटा मुंह है, छोटा मुंह होने का मतलब बोलो कम, ठीक है। उसके बाद एक हाथ में उनके एक्स है, मतलब कुल्हाड़ी है। तो वो उसका मीनिंग ये होता है कि टू कट ऑफ ऑल बॉन्ड्स ऑफ अटैचमेंट। आप यहाँ पे जितना भी अटैचमेंट है चीज़ों से, मटेरियलिस्टिक थिंग्स से, उन सब से आप खुद को डिस्कनेक्ट कर लो। एक वैराग्य भाव मन में होना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ यहाँ पे सिग्निफाई करती है। एक हाथ से वो ब्लेस कर रहे हैं। ब्लेसिंग का मतलब ये हो गया कि वो आप जो स्पिरिचुअल पाथ पे चल रहे हैं, तो उस स्पिरिचुअल पाथ पे चलते समय आपको वो ब्लेस कर रहे हैं कि कभी भी कोई भी कंडीशन होगी, अगर आप निरंतर उस चीज़ पे चल रहे हैं आगे, अगर आप स्पिरिचुअल की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वो आपको ब्लेसिंग के साथ आगे बढ़ाएंगे, वो हमेशा आपका साथ देंगे। इसी तरह से देख सकते हैं कि उनका स्टमक बड़ा है। पेट बड़ा होने का मतलब ये है कि वो कुछ भी डाइजेस्ट कर रहे हैं, जो भी गुड सिचुएशन आ रही है, बैड सिचुएशन आ रही है, कुछ भी डाइजेस्ट करने का मतलब यही कि कभी आपकी लाइफ में गुड सिचुएशन आएगी, कभी अच्छा समय आएगा, कभी बुरा समय आएगा। अच्छे समय में आपको उछलना नहीं है, बुरे समय में आपको गिर जाना नहीं है। तो इस तरह का जो भाव है वो बता रहे हैं कि बड़ा स्टमक होने का मतलब आपको समता का भाव रखना है, चाहे वो फिर गुड सिचुएशन हो, चाहे फिर वो बैड सिचुएशन हो। उसके बाद उनके सामने प्रसाद रखा हुआ है। द होल वर्ल्ड इज़ एट योर फीट एंड फॉर योर आस्किंग, इसका मीनिंग ये है। और दूसरा, सामने आप देखते हैं कि उसमें एक माउस है। माउस मतलब चूहा। तो चूहा रिप्रेजेंट कर रहा है डिज़ायर्स को। तो अगर आप इस तरह से रहेंगे कि आपके सामने कोई डिज़ायर आई और उसको आप समता के भाव से देख रहे हैं कि अगर वो होता है तो ठीक, नहीं होता तो भी ठीक, लेकिन आप उसके प्रति पूरा कंसंट्रेशन रखेंगे, पूरा उसके लिए आप मेहनत करेंगे, अगर मिलता है तो बढ़िया, नहीं मिलता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको तब दुखी नहीं होना है। तो ये चीज़ थी। या फिर हम ये समझ सकते हैं कि जैसे डिज़ायर आया तो वो हमको कंट्रोल ना करें, हम उसको कंट्रोल करें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम डिज़ायर की तरफ जाते हैं तो वो हमको कंट्रोल करने लगता है, हमारे इमोशंस को, हमारी फीलिंग्स को कंट्रोल करने लगता है, कि हम डरने लगते हैं, हम घबराने लगते हैं कि वो चीज़ हमको मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। तो वो इस तरह से है। उसके बाद उनका एक ही दांत है। तो एक दांत रिप्रेजेंट करता है कि अगर आप शिव के पुत्र भी हैं और आपने अगर कुछ गलत किया है तो भी आपको पनिशमेंट तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ये कुछ इस तरह का था कि पुराण में एक कहानी आती है और उसमें ये बताया है कि वो विघ्नहर्ता के साथ साथ वो विघ्नकर्ता भी, उन्होंने एक जगह विघ्न डाला था तो इस वजह से फिर वहाँ पे उनका एक दांत टूट गया था। तो ये भी कहा जाता है कि उस टूटे हुए दांत से उन्होंने महाभारत को लिखा था। तो ये कुछ सिग्निफिकेंस थे। अभी हम समझेंगे कि जो उनके ट्रंक की डायरेक्शन होती है वो कभी लेफ्ट होती है, कभी राइट होती है, कभी उनका कर्व शेप होता है या कभी स्ट्रेट होती है। तो क्या इसके पीछे कुछ सिग्निफिकेंसेस हैं या फिर जो आर्टिस्ट है उसने ऐसे ही बस बना दिया है? नहीं, इसके पीछे बहुत बड़ा एक सिग्निफिकेंस है, तो वो मैं आपको समझाता हूँ।
कि इसको अगर हम स्वर योग से जोड़ते हैं तो हमारे जो लेफ्ट साइड होती है वो ईड़ा को रिप्रेजेंट करती है, और जो हमारी राइट साइड होती है वो हमारी पिंगला नाड़ी को रिप्रेजेंट करती है, और जो सेंटर होती है वो सुषुम्ना नाड़ी को रिप्रेजेंट करती है। तो इस तरह से कुछ चक्रास में नाड़ी का एक्टिवेशन करना होता है। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ ईड़ा मतलब लेफ्ट की साइड, जब उनकी अगर ट्रंक लेफ्ट की साइड है इसका मतलब उन्होंने ईड़ा को रिप्रेजेंट करके रखा है। उन्होंने मून का रिप्रेजेंटेशन दिया, उन्होंने कूलिंग इफेक्ट का रिप्रेजेंटेशन दिया है, एक प्रॉस्पेरिटी लेके आ रहे हैं वो। तो जब भी आप लोगों को गणेश चतुर्थी के टाइम पे आप देखेंगे कि घरों में जो भी मूर्तियां आती हैं गणेश जी की, वो ज़्यादातर लेफ़्ट साइड वाली ही होती हैं। लेफ़्ट साइड वाली होने का मतलब कि घर में वो प्रॉस्पेरिटी लेके आती है, मटेरियलिस्टिक थिंग्स लेके आती है, जैसे कि आपके जो वास्तु शास्त्र होते हैं उनको कंट्रोल करती है, उनको सही करती है। वास्तु दोष होते हैं उनको कंट्रोल करती है, उनको सही करती है वो चीज़। इसीलिए ज़्यादातर घरों में आप लेफ़्ट साइड वाले ट्रंक देखेंगे। उसके बाद अगर आप गणेश जी को पार्वती और शिव जी के साथ अगर देखते हैं तो वो हमेशा लेफ़्ट साइड में ही बैठे होते हैं, ठीक है। तो ये था कुछ लेफ्ट साइड के लिए। अभी अगर राइट साइड का देखें तो वहाँ पे वो पिंगला नाड़ी को रिप्रेजेंट करते हैं। पिंगला नाड़ी मतलब हीटिंग इफेक्ट देता है, और दूसरा यहाँ पे वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको कि आप मटेरियलिस्टिक थिंग्स से हटो और साधना के पाथ पे चलो, जिससे कि आप आगे मोक्ष की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ सको। तो ये वाली चीज़ें आपको बहुत ही कम देखने मिलेगी। जैसे आपको सिद्धिविनायक टेम्पल है महाराष्ट्र मुंबई में, वहाँ पर आपको ये चीज़ देखने मिल जाएगी। अब सिद्धि उनके एक वाइफ का नाम है, ठीक है, तो वो हमेशा उनके राइट में बैठती थी, इसीलिए उनका सिद्धि विनायक के नाम से एक मंदिर है, और उनकी जो वहाँ पर ट्रंक है वो राइट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर हम इसी में देखें कि उनकी जो ट्रंक स्ट्रेट होती है, तो स्ट्रेट होने का मतलब क्या है कि जैसे मैंने बताया शुरू में कि ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना तीन नाड़ियाँ होती हैं, तो जो सुषुम्ना नाड़ी होती है वो बिल्कुल स्ट्रेट सेंटर में होती है, जो मूल आधार से निकलती है और हमारे सहस्त्र चक्र तक जाती है, ठीक है। अब जो कुंडलिनी होती है वो हमारी मूल आधार में सोई हुई है, जिसको हम शिवनी या पार्वती बोलते हैं, और जो हमारे सहस्त्र चक्र के अंदर है वो है हमारे शिव। तो जब धीरे धीरे ऊपर की ओर वो बढ़ती है कुंडलिनी जागृत होते होते, जब चक्रों को खोलते खोलते वो ऊपर की ओर सहस्त्र तक जाती है, तो वो सहस्त्र से जब उसको मिलाते हैं तो वहाँ पे वो शिवरात्रि होता है। वो अलग चीज़ है, वो आगे मैं बताऊँगा। फिलहाल अभी हम ट्रंक के डायरेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर वो स्ट्रेट है इसका मतलब ये है कि वो रिप्रेजेंट कर रही है सुषुम्ना नाड़ी को, ठीक है, जो कि एक ट्रांसपेरेंसी है, और सुषुम्ना नाड़ी बता रही है कि आपका यूनियन हो चुका है, यूनाइट हो चुके हो आप आत्मा का, परमात्मा से मिलन हो चुका है, जो हकार और ठकार है हटे होके वो दोनों एक हो चुके हैं, सन और मून एक हो चुके हैं, वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी आ गई है, वहाँ पे समता का भाव आ चुका है, और वहाँ पे अब कुछ भी नहीं रह गया, सिर्फ समता का भाव है। अगर आपकी बैड सिचुएशन है और या फिर आपकी गुड सिचुएशन है, आपको कोई मैटर नहीं रह जाता, सिर्फ आपको जो मैटर रह जाता है कि आप उसमें एज अ ऑब्जर्वर चीज़ों को देखते हैं। आप इस बॉडी को भी नहीं देखते, आप सिर्फ ये देखते हैं कि आप एक प्राण हैं, प्राण से भी ऊपर आप एक महाप्राण, एक आप कॉन्शियसनेस हैं, और ये बॉडी बिल्कुल अलग चीज़ है। तो वहाँ पे ये डिफ्रेंशिएशन आने लग जाते हैं। अगर हम बात कहें कि उनका जो कर्व शेप होता है, उनके ट्रंक का अगर कर्व शेप देखें, तो कर्व शेप का मतलब ये हो जाता है कि वहाँ पे वो ओमकार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओमकार जो कि ये पूरे यूनिवर्स का जो साउंड है वो भी ओमकार है। हमारी जो बॉडी है वो पांच तत्वों से मिलके बनी हुई है। हर एक तत्व का जो भी हमारे अर्थ एलिमेंट है, या वाटर है, फायर है, एयर है, या स्पेस है, इन सब का अलग अलग एक स्वर होता है।